नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जहां रुख कर लेते हैं देहरादून की ओर। उत्तराखंड में दरअसल अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन होने वाला है। पहली बार एफआरआई में ये आयुर्वेद सम्मेलन होगा, जहाँ आयुष मंत्रालय से मेजबानी की जिम्मेदारी मिलेगी। आयुष संसाधनों के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे, फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधि भी इसमें शिरकत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन अब जल्द ही होने वाला है। दरअसल पहली बार एफआरआई में आयुर्वेद सम्मेलन होगा, जहां आयुष मंत्रालय से मेजबानी की जिम्मेदारी भी मिली है। दर आयुष संस्थानों के विशेषज्ञ भी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे, फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जो आपको बता दें कि उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन जल्द ही होने वाला है। पहली बार एफआरआई में आयुर्वेद सम्मेलन होगा, जिसको लेकर आयुष मंत्रालय ने मेजबानी की जिम्मेदारी भी दी है। अगर आयुष संस्थाओं के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे, तो वहीं फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन जल्द ही आयोजित होने वाला है, क्या जानकारी इस खास सम्मेलन को लेकर? देखिए, ये पहली बार जो है वो सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, पहला ऐसा अवसर होगा। क्योंकि आप जानते ही हैं, उत्तराखंड जो है वो हिमालयी राज्य है और यहाँ पर आयुष की अपार संभावनाएं हैं, लिहाजा इसके दायरे को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से जो है इसकी कार्य योजना बनाई जा सकती है। और अब केंद्र सरकार के, जो भारत सरकार है, उसके आयुष मंत्रालय ने उत्तराखंड को इस अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए जो अनुमति है वो भी प्रदान कर दी है। तो ये कह सकते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा खास तौर से जो आयुर्वेद की जो संस्थानों के जो विशेषज्ञ हैं, वो आयुष फार्मा कंपनियों के जो प्रतिनिधि मंडल हैं, प्रतिनिधि हैं वो, और इसके साथ साथ जो आयुष चिकित्सा और आयुष इस जो संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, कैसे इसको और बेहतर किया जा सकता है, कैसे आम जनमानस को इसका लाभ पहुंचाया जा सकता, इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर मंथन होगा। अलग अलग सत्रों में ये पूरा का पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा। जो हमें जानकारी मिल रही है, 12 से 15 दिसंबर की तिथि जो है वो तय की जा रही है इसकी। इस दौरान ये आने वाले समय में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि आयुष को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और किस तरह से इसका लाभ जो आम जनमानस को दिया जा सकता है। इसमें तकरीबन 8 से 10 देशों के प्रतिनिधि भी उनको भी बुलाया जाएगा। किन किन देश के प्रतिनिधि होंगे, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, इसकी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं और अब आने वाले समय में धीरे धीरे तैयारियों को आगे बढ़ाया जाएगा और इस पे सफल आयोजन के तौर पर करने की कोशिशें जो है वो की जाएंगी। कहीं ना कहीं जो तमाम विशेषज्ञ होंगे इस चिकित्सा पद्धति को बढ़ाने पर और इसके साथ साथ इसके भविष्य को लेकर के जो मंथन होगा, निश्चित तौर पर उसका फायदा न सिर्फ उत्तराखंड को होगा बल्कि पूरे देश और दुनिया के लोगों को होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि जल्द ही आयुर्वेद सम्मेलन अब आयोजित होने वाला है, जिसको लेकर उत्साह भी है और तैयारियां भी तेज हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा, आगे और भी आपसे अपडेट्स लेंगे।